हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन में परमेश्वर, आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए मौका दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप पवित्र परमेश्वर है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन में एक नया दिन दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना करते समय आपकी महिमा यहाँ पे उतरने पाए परमेश्वर, हर एक को छूने पाए परमेश्वर, हमारे जीवन के सारे खमी घटी को दूर कीजिए परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर और अधिक से अधिक परमेश्वर पवित्रता आने पाए परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज के वचन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु के दास के द्वारा आप बात कीजिए परमेश्वर, सुनने वालों के लिए आशीष होने पाए परमेश्वर। इस सारी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. So we all together shall join and worship the Lord Almighty. Jesus, thank you, Lord. Yehovah Ire, mera tu daata, tu mujhko kaafi hai. यहोवा राफा, चंगा करने वाला, तेरे मार खाने से मैं स्वतंत्र। यहोवा शम्मा, तू मेरे साथ है, मेरी घटी पूरी करेगा। यहोवा शम्मा, तू मेरे साथ है, मेरी घटी पूरी करेगा। तू बस काफी है, तू बस काफी है, तू बस काफी है मुझको, तू बस काफी है, तू बस काफी है, तू बस काफी है मुझको। यहोवा एलोहीम, सृष्टि करने वाला, अपने वचन से सब कुछ बनाया। यहोवा एलोहीम, परम प्रधान, तू तेरे समान कोई नहीं। यहोवा शालोम, तू मेरी शांति देगा, वो शांति तुम्हें। यहोवा शालोम, तू मेरी शांति देगा, वो शांति तुम्हें। तू बस काफी है, तू बस काफी है, तू बस काफी है मुझको, तू बस काफी है, तू बस काफी है, तू बस काफी है मुझको, तू बस काफी है, तू बस काफी है, तू बस काफी है मुझको। हाँ परमेश्वर, तू बस काफी है हमारे लिए, तू यहोवा शमोन है, तू मेरा साथी है,
तू यहोवा राफा है, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तू यहोवा इलोम है, तू परम प्रधान परमेश्वर है। तुम्हारे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू बस मेरे लिए काफी है। हे यीशु, हम तुम्हारे पास आते हैं, तेरी आराधना स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन के दुख से तुम क्यों भटकते हो, जीवन के राहों में क्यों भटकते हो, यीशु तुम्हें जीवन में आजमाता है, फिर तुम्हें जीवन में शांति रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है, जीवन के निराशा में आशा देता है, यीशु तुम्हें जीवन में आशा देता है, फिर क्यों जीवन में निराश रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। हाँ, यीशु हमारे जीवन में शांति देता है, तो फिर क्यों हम अंधियारे में भटकते हैं, क्यों नहीं उसके ज्योति के पास आते हैं। वो हमें निराश नहीं करता, एक आशा देता है और हमें शांति देता है। आइए उस यीशु मसीह को आराधना करें और उसको जय जयकार कहते हुए कहे कि तुझसे जैसा कोई नहीं, तू जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, तेरी राहों पर हम चलने के लिए तैयार है। आइए हम परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करें। हालेलुया, आराधना हो यीशु तुझे, आराधना हो यीशु तुझे, तू जो कहे मैं उसे करने के लिए तैयार हूं प्रभु, तेरी राहों पर आने के लिए हम तैयार हैं खुदावन, तेरे चरणों में हम अपनी आस बिछाए हुए हैं खुदावन। आराधना यीशु तुझे,
आराधना यीशु तुझे है, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कहते मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कहता मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशुवे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। जो कहते मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कहते मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशुवे। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। परमेश्वर तो हमें प्रार्थना करने सिखा खुदावन। हम पिता परमेश्वर, हम अपने आप को और इस दूरदर्शन के माध्यम से देखने वाले सभी को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तू हम सबों की प्रार्थना को सुना है और हमें तेरे साथ चलने के लिए पिता प्रार्थना करने सिखा खुदावन। पवित्र आत्मा तू मुझे प्रार्थना सिखा, पवित्र आत्मा तू मुझे प्रार्थना सिखा, ताकि मैं यीशु की तरह बन सकूं, ताकि मैं यीशु की तरह बन सकूं। तेरी ही मदद से तो मैं यीशु की राह पर चल सकूं, चल सकूं। तेरी ही मदद से तो मैं यीशु की मर्जी पूरी हाँ करूं, ताकि मैं यीशु की तरह जी सकूं, ताकि मैं यीशु की तरह बन सकूं। पवित्र आत्मा तू मुझे प्रार्थना सिखा। Yes, Lord. Fill each one of us with your Holy Spirit, O Lord, that we can walk under you, Master.
तेरी ही मदद से तो मैं यीशु से दुआ हाँ दुआ हाँ करूं तेरी ही मदद से तो मैं यीशु की सेवा हाँ करूं हाँ करूं ताकि मैं यीशु की तरह चल सकूं ताकि मैं यीशु की तरह जी सकूं पवित्र आत्मा तू मुझे प्रार्थना सिखा ताकि मैं यीशु की तरह बन सकूं ताकि मैं यीशु की तरह बन सकूं आइए हम प्रार्थना करें धन्यवाद महान पिता परमेश्वर आज के समय के लिए आज के इस दिन के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया हे स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर इस घड़ी देख रहे हैं प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन सभी के जीवन में उन सभी के अंदर प्रभु अपने पवित्र आत्मा को ढेल दे ताकि वे लोग भी प्रभु आपसे प्रार्थना करने सीखे आपकी सेवा करने सीखे आपकी तरह जी सके और आपकी तरह बन सके प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है जैसा तेरा स्वभाव है प्रभु वैसा ही सभी का होना है प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ तू अपने पवित्र आत्मा से हर एक को भर दे प्रभु आज के वचन को तेरे हाथों में रखती हूँ तू अपने वचन से हम सब से बातें कर प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ और सारी प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ आमीन प्रेज द लॉर्ड आई ग्रीट यू ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैं सबों को यीशु मसीह के मीठे नाम से आप सबों को धन्य आमंत्रित करता हूँ God is good and his mercy is endureth forever. और परमेश्वर भला है और उसका अनुग्रह हम सबों पे है For this 8 months, God was gracious to us. और ये 8 महीनों से परमेश्वर ने हमारे अंदर में बहुत सारा अनुग्रह दिया है God has provided all our needs. और परमेश्वर ने हम सबों को सब चीज की व्यवस्था किया है So before we get into the word, shall we all close our eyes? And thank God for this wonderful time. और वचन में जाने से पहले हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रार्थना करें। A gracious, loving Heavenly Father, I thank you for this wonderful time which you have given us, the Lord. I thank you for the new month, Lord. For the past 7 months, you have been so gracious to us. You had provided all our needs. You have kept us well. You have kept us away from sickness, O Lord. And Lord, thank you for getting us into this new month, O Father God. Lord, as Lord, we are going to share your word. It's not me who's going to talk, but you should come and minister to your people, O Lord. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Okay, so today I'm going to talk about joy after the storm. आज जो मैं वचनों से बात करना चाहता हूँ, वो है विपत्तियों के बाद आनंद. So there is a joy after the storm. और वहां पर विपत्तियों के बाद एक आनंद है When our life is all in peace, when we are all settled, when we have all things in need, everything is just going on very smooth in our life. जब हमारे जीवन के हर एक काम में हर एक व्यवस्था है सब कुछ आराम से जाप जाती है when we get retired we just sit on the easy chair we see at the sunset we get all our needs we have a good job we get our salary regularly everything is going in peace but there is sudden trouble in our life और जब कुछ सब कुछ जो सही तौर से चलता है हमारे जीवन में सब कुछ आराम रहता है When everything goes on easy, there's a sudden trouble which comes into our life. और जब सब कुछ अच्छा से चलता है तो अचानक हमारे जीवनों में एक विपत्ति आती है So what happened when the trouble gets into our life? और जब कोई विपत्ति होती है तो हमारे जीवन में क्या होता है
The first thing is our hope is gone. और सबसे पहली विश्वास है जो हमारा जो आशा है वो खत्म हो जाती है. Fear get into a life. डर हमारे अंदर में प्रवेश करती है. We think it is all done. I could no more get up. और हम सोचते हैं कि अब तो चला गया, सब कुछ चला गया, अब फिर हम उठ के नहीं आ सकते. Because we were so comfortable in our life, when suddenly a trouble strikes over our life, our hope is gone and we are crushed. और जब हमारी सब कुछ अच्छा चलते वक्त एक विपत्ति आती है तो हम सोचते हैं हमारा सब आनंद चला गया और हमारे अंदर भी वो आशा खत्म हो जाती है. But you know what the scripture says? लेकिन आप वचन क्या कहती है देखते हैं. James chapter 1 and verse 2, the scripture says like this: When trouble comes your way, consider it as an opportunity for great joy. और याकूब की पत्री उसका 1 और 2 कहता है, जब आप पर अनेक प्रकार की विपत्ति आए तब उसे बड़े आनंद की बात समझिए. हालेलुया, हालेलुया. The Bible says, when trouble comes your way, you should consider it as a great joy. और वचन कहती है जब आपके पर नाना प्रकार की विपत्ति आती है तो उस समय बड़े आनंद की बात को समझिए. So when the storm hits our life, we are not destroyed, but we are fashioned. और जब विपत्ति हमारे जीवन में आती है तो हम बड़े आनंद के बात समझना चाहिए. So we are not destroyed in the storm. God is just preparing us. God is blessing us through the storm. और हमको जब विपत्ति है तो परमेश्वर हमको वो और बनाता है ताकि उसमें और मजबूती पकड़ सके. Imagine when a goldsmith takes a raw gold, he doesn't takes it directly to design it, but before he could take it to design, he puts the gold in a furnace to remove all the impurities. और आप एक कंचन को या गोल्ड को अगर लेते हैं तो देखते हैं वो जो उसका मेन ओर है उसको उठाकर सीधे हम उसको प्योरीफाई करने के लिए नहीं ले जाते, बल्कि उसको धधकती हुई आग में डालने के बाद उसको फिर प्योरीफाई करते हैं. सो बिफोर इट कुड हिट द शोरूम, इट हिट्स द फर्नेस फर्स्ट. और ये जो है शोरूम में जाने से पहले सबसे पहले वो आग की भट्टी में डाला जाता है. इट इज बीन हीटेड अप टू रिमूव ऑल द इंप्योरिटीज फ्रॉम द गोल्ड. और उसको आग में डालकर उसमें और उसमें शुद्धता को लेने के लिए आती है. In the same way, it is even in our life. Before we could be fashioned, there is some trouble which comes our way, and the Bible says we should take it as an opportunity for a great joy. और ऐसे ही वचन भी कहता है कि जब हम इस तरह से कष्टों और विपत्तियों में आते हैं जैसे एक सोना जो है आग की भट्टी में जलती है, उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में ये विपत्तियों के लेके आता है ताकि हम मजबूत होकर बड़े आनंद के बात में आगे आए. Job 23:10 says, He knows where I am going. When He tests me, I will come out as a pure gold. अय्यूब की किताब उसका 23:10 में देखते हैं, किंतु वह मेरे मार्ग भली भांति जानता है, जब वह मुझे परख लेगा तब मैं कंचन जैसा शुद्ध प्रमाणित होऊंगा. हालेलुया. सो व्हेन ही टेस्ट मी आई विल कम आउट एज अ प्योर गोल्ड. और जब वह हमें परखता है तभी हम एक कंचन अच्छी शुद्ध सोना के रूप में भर के आते हैं. How many agree with me that God, when He is taking us through those kind of problems, He tests us, He refines us so that we could come out of pure gold. और आप लोग में से कितने लोग ये मेरे साथ ये विश्वास करते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में इतनी सारी विपत्तियों को इसलिए ले आता है ताकि हम कंचन या सोने के जैसा शुद्ध हो सके. So when problems comes into our life, we should not be just worried, but we should be confident that God is going to make a great thing out of the storm. और जिस तरह से हमारे जीवन में विपत्ति आए तो आप कभी भी डर और अपनी आशा को मत खोइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब ये विपत्ति आए तो आप बड़े आनंद की बात को समझिए. हालेलुया, हालेलुया. So there was a man called Job. और वहां यहां पर बाइबल के पुस्तक में अय्यूब बोल के एक व्यक्ति है. He was a righteous and a God fearing man. और वो एक धार्मिक और परमेश्वर से डर रखने वाला परमेश्वर भाई था. He had 7 sons and 3 daughters. उसके पास 7 बच्चे और 3 बेटी थी. And the Bible says in Job chapter 1 verse 2. और अय्यूब की किताब उसके 1 और 2 में कहते हैं, It talks about the resources what Job had. और उसमें अय्यूब के पास क्या क्या था वो उसको वो बताती है. He had 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 teams of oxen, and 500 female donkeys, and he had also many servants.
और उसमें देखते हैं उसकी अय्यूब की पहली पत्र उसका दूसरा अध्याय में, उसके पास 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंटे और 500 बैल और 500 गधी थे, और उसके साथ भी उसके साथ बहुत सारे नौकरों चाकरों भी थे. And the Bible also says that he was the richest person in that region. और बाइबल ये भी बताती है कि उस समय के में और उस जगह में या उस समय में वो सबसे धनी आदमी था. So people of God, imagine Job had everything in his life. और आप सोच के देखिए अय्यूब के पास सारा धन दौलत सब कुछ था उसके पास. He had everything he needed from God. और उसके पास जो भी जरूरत थे सब उसको परमेश्वर ने दिया था. He was a God-fearing man and a righteous man. और वो एक धार्मिक और परमेश्वर से डर रखने वाला व्यक्ति था. The Bible says, one day the members of the heavenly courts came to present themselves before God. और एक दिन परमेश्वर के एक जन उसके सामने आए. And the accuser Satan also came with them. और उसके साथ शैतान भी उसके साथ आया. And Satan was an uninvited guest. और शैतान जो है बिन बुलाया मेहमान था. You might think that no, only when we invite sin might come to us. That is wrong. You know, the Bible says Satan had been patrolling all over the world and he knows everything. He knows your secrets too. और हम कभी कभी सोचते हैं कि पाप अपने आप से हमारे अंदर में आता है, तो हम यहाँ देखते हैं कि शैतान जो है वो इस पृथ्वी पर मंडराते हुए सब कुछ देखता है और पाप कराने की प्रवृत्ति देता है. If you try to keep yourself holy, Satan comes and tempts you to get out of that way. और जैसे अपने आप को आप पवित्र बनाए रखना चाहते हैं तो शैतान आके आपको पाप में फंसाने की कोशिश करता है. Satan came and he presented before the Lord. और शैतान परमेश्वर के सामने आता है. And he said, I have been patrolling all over the world, watching what is going on. और मैं संसार के सारे जगह पे घूमता मंडराता हुआ आता हूँ और ये देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है. And immediately God asked, Did you notice a person named Job? और तब वो जब शैतान परमेश्वर के सामने इस बात को कह रहा था, परमेश्वर कहता है कि तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा? Hallelujah! Hallelujah! When I read this word, I was like, you know, amazed. See, when Satan looks everything on this world, the Lord said, "Have you noticed my servant Job?" और यहां पर देखते हैं जब शैतान जब परमेश्वर को कह रहा था कि मैंने सारी धरती पे घूम रहा था, तो परमेश्वर कहता तू क्या मेरे दास को देखा? I just looked up to the life of Job. He was so righteous and God-fearing person. Though there's so many people in this world, the Lord said, "Did you look at my servant Job?" Job was highlighted over there. और यहां पर देखते हैं कि अय्यूब की बारे में ये परमेश्वर कितनी बोल्डली कहता है कि तुमने मेरे दास को देखा, जबकि पूरा पृथ्वी पापों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में बताया. His life was so inspiring to the Lord, so that he was highlighted. The Lord said to the Satan, "Did you look at my servant Job? How God-fearing is he? He is a blameless person." और यहां पर देखते हैं परमेश्वर जो हो अय्यूब के बारे में बताता है और उसको दिखाता है कि तुमने सबको देखा होगा, लेकिन तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा जो मेरी कितनी तारीफ और भक्तियों करता है. But Satan replied, "Yes, but Job has a good reason to fear God. You have always put a wall of protection around him and his home, and everything he does is prosperous." और यहां पर शैतान परमेश्वर कहता है, हाँ मैं तो देखा हूं उसको, आपने उसके अगल बगल बेड़ा बांध के रखा है और आपने सारी चीजें उसको दे रखी है. So Satan told, you take away the wall of protection from him so that he will come and rebuke you. और वो कहता है, शैतान कहता है परमेश्वर को कि शैतान को कहता है कि तुम अय्यूब के चारों तरफ जो बेड़ी लगाए हुए हो, जो तुम्हें उसकी सहायता कर रहे हो, उसको हटा दो, देखो वो तुझे कोसेगा. The Lord say, you do whatever you want, but don't harm him physically. और परमेश्वर कहता है तुम्हारी जो इच्छा करो, लेकिन उसके शरीर पर तू हाथ न रखना. So Job was the richest person in that region. और अय्यूब जो था बहुत संप्रदाय और बहुत धनवान आदमी था. And Satan came and struck all his resources in a single day. और
शैतान जो है उस वहां पर आकर उसको एक दिन में उसको सब धनवानी उसको सब उसको एकदम धरती पे लेके आ गया. Lost his sons, daughters, animals, cattle, everything. वो अपनी सारी संपत्ति को आयु अपने सारे संपत्ति को अपने पुत्र पुत्री और जितने भी दास दास सबको उसने खो दिया. He was left out barehanded. और उसको उसके हाथ में कुछ भी नहीं था. He didn't see anything, but he lost everything. और वो अपने आप कुछ देखा नहीं लेकिन वो सब कुछ हार चुका था. But you know what the Bible says? लेकिन वचन क्या कहता है? After Job was all lost, he didn't sin, he didn't blame God for anything. और जब उसने सारा कुछ अपने सांसारिक धन को सारा कुछ खो गया तब भी अय्यूब ने कुछ बोला नहीं. Job chapter 1 verse 22 says, in all of this Job did not sin by blaming God. और अय्यूब की किताब उसकी 1:22 में कहते हैं कि अय्यूब पर चारों विपत्ति सारा विपत्ति आने के बाद पर उसने पाप नहीं किया और ना परमेश्वर को मूर्खतापूर्ण आरोप भी लगाया. The Lord has blessed Job. और अय्यूब को परमेश्वर ने बहुत आशित किया. Now he lost everything. और अब अय्यूब जब सब कुछ हार चुका था. He didn't ask God any question. और उसने कभी भी परमेश्वर से कुछ प्रश्न नहीं पूछा. He didn't rebuke God for it. और परमेश्वर को इसके लिए वो कोसा भी नहीं. And that was the patience what Job was in. और यही जो है धैर्यपूर्ण वो अय्यूब के अंदर में था. When the storm hit the life of Job. और जिस तरह से अय्यूब का जो जीवन को हम जब देखते हैं. He didn't sin by blaming God, but he was patient. और उसने परमेश्वर के पर कोई भी आरोप नहीं लगाया या पाप भी ना किया. The Bible says in James chapter 1 and verse 12, God blesses those who patiently endure temptation and testing. और परमेश्वर कहता है कि याकूब की पत्री उसका 1 कि परमेश्वर आशीर्वादित करता है जो उसके साथ धैर्य से और परिश्रम से उसके पीछे रहता है. And James chapter 5 and verse 11 says, Job was a man of great endurance. और अय्यूब की किताब उसकी 5:11 में कहता है कि अय्यूब जो है बहुत धार्मिक और सहनशीलता वाला आदमी था. And when Job faced that storm, he was patient and waiting for the Lord. और जब इस तरह से उसके जीवन में जब विपत्ति आए फिर भी उसने धैर्य रूप रख के परमेश्वर की आशा लगाते रहा. And his patience led to a double portion of blessings. और इस तरह से वो जो वो समझ करके और अपने आप को शांत करके धीरज से जब परमेश्वर की ओर उसने आशा रखा तो उसके जीवन में बहुत आयत की आशीष आई. Job 42:10 says, the Lord gave him as twice as much as before. अय्यूब की किताब उसकी 42:10 में कहता है कि परमेश्वर ने उसकी संपत्ति को दुगनी कर दी. People of God, today you might have been facing any kind of problems in your life. आज आप भी बहुत सारी विपत्तियों को सामना करते होंगे. You might be facing sickness over your life. और आप अपने जीवन में बीमारियों को फेस कर रहे होंगे. But that sickness won't lead to death. और वो जो है आपको मरण की अवस्था में नहीं लेके. Patiently wait in the presence of God. और आप जब धैर्यपूर्ण परमेश्वर की ओर आशा किए हुए बैठे रहते हैं. Patiently look upon to his face. और जब वो आपकी जो धैर्यपूर्ण परमेश्वर की ओर ताकते हैं. God will grant a blessing over your life. और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देंगे. So whatever storm you're facing today, it's not to be destroyed, but it is to be fashioned. तो आज आप जितने भी प्रकार की विपत्तियों को आप देख रहे हैं आपके लिए ये एक बड़ा आनंद का कारण बन सकता है. God is lifting you up through the storm. और परमेश्वर आपको इस विपत्तियों से उठाना चाहता है. I was amazed learning about the story of the palm tree, how the palm tree was designed. और हम जो हैं इस खजूर के पेड़ की से कुछ सीखना चाहते हैं. Usually when a storm breaks out, there will be many trees which will be uprooted. और जब बहुत सारी विपत्तियां जब आती है और बहुत सी आंधी आती है जब क्या होता है अगले बगल के सारे पेड़ों को वो नष्ट करता है लेकिन खजूर की पेड़ वैसे ही खड़ा रहता है. There'll be a huge loss and destruction when a storm hits a city. और वहां देखें कि जब भी तूफान और आंधी आती है तो शहर की सारों ओर को वो एकदम खराब करके रख देती है. But when I learned about this palm tree, it was amazing. और जब मैंने इस खजूर के पेड़ से कुछ सीखा तो वो ये बहुत आश्चर्य की बात है. The way the palm tree was designed. और कैसी ये palm tree का जो स्ट्रक्चर है कैसे बना हुआ था. So when the storm hits a city, when a storm hits a city, that place would be destroyed and many trees will be uprooted, but the palm tree will not be uprooted, it will be standing firm.
और जब आंधी तूफान आती है शहर में तो आप देखेंगे जितने पेड़ पौधे सब उखाड़ के घर भी गिर जाते हैं, लेकिन ये खजूर की पेड़ जो है वह वैसा के वैसा ही खड़ा रहता है। द पाम ट्री वॉज डिजाइंड इन सच अ वे दैट व्हेन द विंड इज ब्लोन हार्ड इट जस्ट गोज लेफ्ट टू राइट एंड व्हेन दिस प्रोसेस हैपेंस द रूट्स आर गेटिंग मोर फर्म द रूट्स आर मेकिंग मोर स्पेस टू बी गेटन डीप। और हम खजूर की पेड़ को देखते हैं कि वह इस तरह से बनाया हुआ, चाहे कितना भी तूफान आ जाए वो बायां दायां दोनों तरफ घूमते रहती है और अपनी जड़ में और मजबूती से पकड़ते हुए जाती है। नो मैटर हाउ बिग द स्टॉर्म इज द पाम ट्री इज मोर कंफर्टेबल आफ्टर द स्टॉर्म। और जितना भी आंधी क्यों ना आ जाए लेकिन ये खजूर का पेड़ जितने भी आंधी आने के बाद वो और मजबूती में पकड़ा रहता है। सो बिफोर द स्टॉर्म केम द पाम ट्री वुड बी वीक। और विपत्तियों के पहले या आंधियों के पहले हो सकता था कि ये जो खजूर की पेड़ है थोड़ा नाजुक हो, बट आफ्टर द स्टॉर्म द पाम ट्री इज स्ट्रॉन्ग। और जैसे ही ये आंधी आने के बाद वो जो खजूर की जो जाली है जो पेड़ है वो और मजबूती में चले जाती है। God has designed us also to be like a palm tree। और परमेश्वर ने हमको भी उसी तरह से बनाया है। He has designed us to withstand the storm and not to be destroyed with the storm। और परमेश्वर ने हमें भी इस तरह से बनाया है ताकि हम विपत्तियों को सामना कर सके। In Psalms 37:7 says, "Be still in the presence of God and wait patiently for Him to act." और भजन संहिता उसका 37:7 में कहती है कि प्रभु के समक्ष शांत रहो और उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करो। When trouble comes in our life, we must not be worried, but we should wait patiently for the Lord to act. और जैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्ति आते हैं, लेकिन हमको परमेश्वर के सामने शांत रहना है और उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करना है। End of the storm, God will give us a victory. और जब ये विपत्ति चले जाएगी तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ा जय देगा। Psalms 37:10 says, "Soon the wicked will be disappeared. Though you look for him, you will not find him." और भजन संहिता 37:10 कहता है, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। So how many of you all can say that the storm which I am facing today is for good? और आप लोग में से कितने ये कह सकते हैं कि ये जो विपत्ति आई है वो एक दिन मेरे आनंद में बदलने वाला है? I know it is difficult to face it. मैं जानता हूं विपत्तियों को सामना करना कितना ही कठिन है। But after you face the storm, when you wait for the Lord, you will be fashioned. और जैसे ही आपकी विपत्तियां खत्म होगी और आप तब देख सकेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कितना बड़ा आनंद को लेके आता है। Bible says in 2 Corinthians 4:17 और दूसरा कोरिन्थियन 4:17 में यह कहता है, For our present troubles are small and won't last for very long. और उसमें यूं कहता है कि हमारा जो अभी का जो विपत्तियां है वो बहुत छोटी है और ये बहुत दिन तक नहीं रहेगा। 1 Peter 1:6 says, There is a wonderful joy ahead, even though you have to face many troubles for a little while. और पहला पत्रस 1:6 कहता है, यह आप लोगों को बड़े आनंद का विषय है, हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार की विपत्तियां या कष्ट सहना पड़ेगा। You all should be confident that in all my troubles, in all my problems, my God is there with me. और मैं कहता हूं कि वचन कहता है कि हमको हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करके और उसके परीक्षा में हमें खरा निकलना चाहिए। He said, I will not leave you nor fail you. और वो कहता है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। Psalms 57, David said, I will hide beneath the shadow of your wings until the danger passes by. और भजन संहिता उसका 57:7 में कहता है कि मैं ऊंचे पहाड़ पर व्यभिचार के लिए तूने जो सेज बिछाया वहां तू बलि चढ़ाने गया है। So I will hide beneath your shadows. I will find your shadow and under your comfort and under your protection I will be hiding until the danger passes by. और वो कहता है कि तुम्हारे छत्र छाया में मैं हमेशा छिपा रहूंगा ताकि हम इस सब विपत्तियों से दूर रह सके। Because my heart is confident upon you. क्योंकि मेरा हृदय जो है तुम्हारे ऊपर एक
वाचा और गढ़ बना हुआ है. So people of God today, whom are we confident upon? और आज जो हम सब लोग हैं, किस पर अपने इतना एक धैर्य और विश्वास को रखे हैं? And what are we confident upon? और किस पर हम ज्यादा अपने आप को विश्वास रखे हुए? Are we confident upon our wealth and riches? क्या हम अपने धन और दौलत पर ज्यादा अपने आप को विश्वास रखे हुए हैं? Are we confident upon our strength and might? और क्या हम अपनी शक्ति पर ज्यादा विश्वास और उम्मीद रखे हुए हैं? But David said, Lord, I am confident upon you. और लेकिन दाऊद कहता है कि मैं तुझ पर विश्वास रखा हूँ. Hallelujah. Hallelujah. A couple of months back, I received a video from a WhatsApp. और मैं कभी-कभी इस वीडियो WhatsApp में जब देखता हूँ. A man from I don't know from which place is he, but he was from the Arab country. और एक मनुष्य को मैं हमेशा देखता हूँ, वो एक अरब देशों से था. I received this video. He was a young man and he was the richest person because when they showed all the treasures whatever he had many gold biscuits. There were so many chains, cars, the palace, what he had, and he was a young chap and he died. और मैं जब उस आदमी को जब YouTube में देखा था, उसके देख रेख से, उसके रवैये से और उसके घर के सारे धन दौलतों से, उसके पास जितने सोना चांदी देखता था, वो खुद बहुत ही धनवान आदमी था, लेकिन वो जवान एक दिन युवा अवस्था में ही मर गया. He had so much of wealth with him, but his wealth and riches couldn't save him. और वो उसके पास बहुत सारा धन दौलत और सब कुछ था, लेकिन वो उसका कुछ काम ना आया. And I thought, what is the use of so much of earning and what is the use of him being so much of tired of his wealth? और वो सोचता था, सोचिए इस बात को, वो इतना धन कमा के भी उससे क्या मिला? But his wealth couldn't save him at all. और ये जो धन दौलत उसे बचा नहीं सका. But where should our confidence be upon? और कहां पर हमारी आशा रहना चाहिए? Our confidence should not be upon the world and its riches. और हमारा जो विश्वास है, हमारा जो धैर्य है, ना कि ये धन दौलत और इस सब से होना चाहिए. But our confidence should be upon the Lord Jesus Christ. और हमारा निश्चयता परमेश्वर की होना चाहिए. Because he is the one who strengthens us. क्योंकि वही जो है जो हमें सब चीज से हमें धैर्य देता है. He is the one who strengthens us to survive the storm. और वही है जो हमें साहस और शक्ति देता है ताकि इन सबों से हम लड़ सके. Hallelujah. Hallelujah. Okay. I want to talk about Shadrach, Meshach and Abednego. और मैं जो है दानियल पुस्तक में देखेंगे वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में बात बोलना चाहता हूँ. There were three young men from the tribe of Judah, Shadrach, Meshach and Abednego. और यहूदा के समय में वहां पर उस समय शद्रक, मेशक और अबेदनगो बोल के तीन राज लोग थे. They were well versed with good knowledge. They were looking good. और उनके पास सारा ज्ञान, बुद्धि और खुद भी बहुत अच्छे लग देखते थे. And the king made a huge gold statue. और एक राजा उस समय ने एक बहुत बड़ा सोने की मूर्ति बनाया. And he said everybody to come and worship that statue. और उस जहां के सारे लोगों को कहा कि मेरे यहां पर आकर इस मूर्ति पर दंडवत करो. But this three young men was worshiping the living God. और ये तीन नौजवान जो है जीवित परमेश्वर की आराधना करते थे. But the king said, when you hear the sound of the trumpet, everybody should bow down and worship the statue. और उस राजा ने इन सबों को कहा कि जब भी तुम ये ट्रम्पेट की आवाज सुनो, तब तुम लोग इस सोने की मूर्ति पर दंडवत करना है. And anybody who refuses to bow down will be thrown into the furnace of fire. और जो कोई इस मूर्ति पर दंडवत नहीं करेगा, उसको उठा के हम आग की भट्टी में डाल दूंगा. So what happened? Immediately after the trumpet, the music sound, everybody started to worship to that gold statue the king had made. और जैसे ही ये जो बीगुल की आवाज को सुने, सब लोगों ने उस मूर्ति को, जो स्वर्ण की मूर्ति पर दंडवत करने लगे, लेकिन इन लोगों ने ही किया. But the three young men was just standing straight and they didn't bow down to that gold statue. और ये तीनों जो जन थे और वो अपनी जगह पे खड़े होकर उस सोने की मूर्ति पर झुके नहीं. Immediately some of the astrologers and some of the officials over there went and said to the king, Lord, there are three people who are not worshipping the statue which you have made. और उसी समय बहुत सारे वहां पर ज्योतिषी और भी जो प्रधान लोग थे, वो तुरंत जाके राजा को कहते हैं कि देखो ये तीनों
तुम्हारी मूर्ति सोने बने हुए मूर्ति पर अपने सर को नहीं झुका रहे हैं. Now the king was full in rage. और ये जो राजा है वो बहुत गुस्से में आया. And he said, get the three persons to me now. और उसने कहा कि ये तीन जवानों को मेरे पास लेके आओ. And he said to them that I give you another chance now. Once again the music will be played and once the music is played you should bow down or else I'll be throwing you into the furnace of fire. उस राजा ने उन लोगों को बुला कर कहा कि मैं तुझे एक बार और मौका देता हूं. जब भी ये ब्यूगल की आवाज सुनो, ये जो आराधना की आवाज सुनो, तुम सब झुककर उस सोने की मूर्ति पर झुकना ही होगा. And you know what? और आप जानते क्या हुआ? These three young men said, "We do not need to defend ourselves before you." और वो कहता कि हम कोई जरूरत नहीं है कि आप मुझे कुछ भी कर डालो. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us, and He will rescue us from your power. और वो कहा कि तुम चाहे हमें धधकती हुई अग्नि की भट्टी में भी डाल लो, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसको मैं आराधना करता हूं वो मुझे हमसे बचा लेगा. हालेलुया, हालेलुया. He knew that if he is not going to bow down, he will be thrown into the furnace of fire. Even though he saw the furnace of fire, he was not afraid of that storm. और जब ये तीनों जवानों को जब राजा ने इस बात को कहा, उसके सामने धधकती हुई अग्नि की भट्टी भी सामने था, लेकिन उनके अंदर भी कोई भी डर नहीं आया और कहा नहीं, मैं तो उस सोने की मूर्ति को नहीं हरा दूंगा. They very well knew that my God will come and rescue me from that power. क्योंकि वो तीनों जवान जो जानते थे कि उसका जो परमेश्वर है जिसकी वे सेवा आराधना करते हैं, वे जरूर इस धधकती हुई भट्टी हुई अग्नि से भी हमें अच्छी तरह से निकाल लेंगे बाहर. God, look at the zeal and confident what these three young men had. Even though they saw the furnace of fire which was burning around, they said, I am not going to worship this statue because my God is able to save me from that power. और वहां पर हम देखते हैं कि जब सारे लोग देख रहे हैं और ये तीनों जवान जब निखारते हैं उस सोने की मूर्ति पे अपने अभिवंदन करने गए, तब भी सामने धधकती हुई आग देख के भी वो इतने अंदर में निश्चित थे कि उसका जो परमेश्वर है, उसका जो जीवित परमेश्वर है, वो जरूर बचाएगा. Immediately the king said, heat the furnace 7 times more. और उसने उसी समय राजा ने कहा कि ये जो धधकती हुई भट्टी है इसको 7 गुना और जोर से आग लगा दो. And what happened now was this three young men went into the furnace. They have been thrown into the furnace. और जब अब क्या हुआ, जब ये 7 गुना वो धधकती आग में इस तीनों को उसने उठा के डाल दिया. The furnace was so hot that the person who went to throw him was also dead. और वो धधकती हुई आग की भट्टी इतनी ज्यादा तापमान में थी कि जो आदमी इन तीनों को वहां पे डालने गया वो भी जल गया था. Now that storm which the king had prepared to destroy them, now the king was afraid of the storm. और यहां पर देखते हैं कि जो चीज के लिए राजा बना के रखा, राजा भी उससे भयभीत हो गया. Because the king saw 4 persons inside the burning furnace. और क्योंकि अब क्या है कि वो अभक्ति के आग में उसने 4 और लोगों को वहां पे देखा. The king was now confused. He very well knew that I threw only 3 person, but who was that 4th one? क्योंकि अभी राजा यहां भी देखा था कि मैं तो 3 आदमी को ही उस धधकती हुई भट्टी में डाला, वो चौथा कौन है? And at last he knew that was an angel of God. और तब उसको पता चला कि वो परमेश्वर का दूत है. That was a God who was there with them. और वहां जो परमेश्वर जो इन तीनों के साथ था. And immediately he went near the furnace. और जब वो धधकती भट्टी के आग के सामने गया, you know what the king said? पता है राजा ने क्या कहा? He shouted, servant of the most high God, come out, come here. और उसने क्या कहा कि हे परमेश्वर के दासों, तुम अग्नि भट्टी से बाहर निकल के आओ. सर्वेंट ऑफ द लिविंग गॉड कम आउट. और वो कहता है हे परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर के दास, बाहर आओ. नाउ वेयर आर द थ्री यंग मैन? दे आर इनसाइड द फायर. और अभी ये तीनों जवान कहां पे हैं? वो धधकती हुई आग की भट्टी में हैं. हॉट फर्नेस व्हिच वाज हीटेड 7 times more. और वो धधकती हुई भट्टी जो 7 गुना और उसमें तापमान डाला गया था. इमेजिन व्हाट वुड हैपन व्हेन अ पर्सन गेट्स इनटू अ फायर. और आप जरा सोचिए कि वैसी धधकती आग में एक आदमी जब डाले तो क्या होगा? दे विल बी बर्न डाउन इनटू एशेस. और वो जो है उस तापमान में एक आदमी को जलकर राख हो जाना चाहिए. नाउ द किंग कॉल्स देम आउट ऑफ द फर्नेस. अब राजा ने उसे बुला, उस तीनों को बाहर बुलाया. द थ्री persons came out with an heroic entry.
और ये तीनों जो धधकती हुई पट्टी से बाहर निकले एक राजा की जैसा बाहर में आए. And everybody surrounded them immediately. और सब ने जित सारे तमाशे को देख रहा था उसके चारों ओर घेर लिए. And everybody went and checked them. और सब ने जाके वो एक दूसरे को देखे कि वो सही है कि नहीं. They touched the head and they saw the hair was not stinged. और उसने बालों को छू के देखा कि उसका बाले भी नहीं मुरझाए हुए हैं. They touched the cloth was not scorched. और उसने उसकी कपड़ों को देखा कि कहीं वो तो जला हुआ नहीं they है. They went and smelled them. They couldn't smell the smell of smoke. और उसने उसके सूंघ के भी देखा कि उसके अंदर से कोई वो आग ये जली हुई मांस की बू तो नहीं आ रही है. They were so fresh out of the furnace. और वहां से निकलने के बाद वो कितने एकदम ताजगी के साथ आए थे. They came out so fresh out of the storm. और वहां पर बहुत ताजगी के साथ वो बाहर आए. You know why? क्यों पता है? Because our God was with them in the storm. क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर उसके साथ था. Because they were so confident that even though you throw me into that fire, my God is able to rescue me. क्योंकि उसको पूरा भरोसा था हमारे परमेश्वर पर कि तुम कहीं भी डाल दो मेरा जीवित परमेश्वर है मुझे बचाएगा. Now what happened after they came out of the storm? और अब जब वहां से बाहर निकले तो फिर क्या हुआ? Before they went into the storm, their position was very low. और अग्नि भट्टी के जाने से पहले उनका जो पोजीशन था उनकी जो व्यवस्था सस्ता थी वो एकदम कुछ भी नहीं था. But when they came out of it, और लेकिन जब वो अग्नि भट्टी से बाहर निकले, the Bible says, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego to even higher position in the province of Babylon. और जैसे ही वो उस आग की भट्टी से बाहर निकला, तो राजा ने ये तीनों को शद्रक, मेशक और अबेदेक को एक ऊंची जगह पे ले पहुंचाया और एक ऊंची जगह दिया और एक प्रतिष्ठा दिया उस पूरे बेबीलोन में. People of God. परमेश्वर के बच्चे लोग. If the three young men were afraid, if the three young men would have been afraid of that furnace, they would have not been promoted to a higher position. यदि ये तीनों आदमी इस विपत्ति से डर जाते तो हो सकता था उनको ये जो ऊंची पदवी मिली है वो नहीं मिलता. But they were so confident upon our God that my God is able to rescue you from his power. लेकिन इन तीनों के अंदर में एक भरोसा था कि वो उसका जीवित परमेश्वर उसे बाहर निकाल लेगा. They were confident that my God will be there even though I walk in the midst of trouble. और वो जानता है कि मेरा हम जैसे भी विपत्ति में चले मेरा परमेश्वर हमें वहां से निकाल लेगा. Because they were confident upon the God, my God gave them a higher position than before. और क्योंकि उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा तो परमेश्वर ने जो उसकी अवस्था थी उससे और अच्छी अवस्था में लेके आया. हालेलुया 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 हालेलुया. Today we should be confident. आज हमको भी भरोसामंद रहना चाहिए. When we are facing any troubles in our life. यदि हम कोई भी विपत्तियों को आज हम सामना कर रहे हैं. When we are facing any sickness over our life. अब जब हम कोई भी बीमारियों को अपने जीवन में देख रहे हैं. You should be confident that after the sickness is gone, my God is going to promote me. और हमको ये भरोसा रखना है, हमको ये विश्वास रखना है, हमको ये आशा रखना है कि मेरा जीवित परमेश्वर हमको हर विपत्तियों से निकालेगा. You should know that in midst of all this trouble, my God is handling the battle. और आपको ये भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि इन सारी विपत्तियों से भी हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर इस सबों को अपनी निरख में रखा है. You should know in between of this trouble, behind the scenes, my God is working out to promote me. और आपको ये विश्वास रखना, ये भरोसा रखना है कि इन सारी विपत्तियों के पीछे हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है. हालेलुया हालेलुया. So today, are you facing any problems in your life? तो परमेश्वर आज हम क्या हम इस तरह से कोई विपत्तियों को देख रहे हैं अपने सामने? Is there any storm which has hit your family? और ऐसी कोई विपत्ति है जो आपके परिवार में आ चुका है? Is Satan come to disturb the peace in your family? और आज क्या आपके पारिवारिक जीवन में शैतान आकर आपके अंदरों में बहुत सारे ये अनेक विपत्तियों को लेके आया है? Let me tell you one thing. Be confident upon our God, for He will come and He will give you victory in your battle. इसलिए मैं कहता हूँ कि आप परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखो और जरूर जिस तरह से इसने ये विपत्तियों से निकाला आपके जीवन को भी वो विपत्ति से निकालेगा. He has designed us not to be destroyed with our problems, but to overcome the problems. और उसने हमें
हमें इस रीति से बनाया कि कोई भी विपत्ति आए हम मजबूती पकड़ के भी और उसके भरोसा करेंगे तो हमें बड़े आनंद का कारण बनेंगे। और भजन संहिता उसका 3:3 में कहता है, The Lord is my shield. परमेश्वर मेरा भरोसा और The Lord is my shield and he is the one who lifts my head high. और परमेश्वर भजन संहिता उसका 3:3 में दाऊद कहता है कि एक मिनट Psalms chapter 3 and verse 3 भजन संहिता 3:3 The Lord is my shield and he is the one who lifts my head high. और परमेश्वर ही हमारा चारों ओर मेरी ढाल है और मेरी महिमा और मेरी मस्तक का ऊंचा करने वाला है। He never puts us down. और कभी भी हमें नीचे नहीं गिराता है। He never draws us back. और कभी भी हमें पीछे नहीं फेंकता है। But he always pushes us forward. और हमेशा हमें चारों सामने की ओर लेके जाता he है। He always gives us victory. और वो हमेशा हमें जय देता है। The Bible says the battle belongs to him. और वचन कहता है कि ये जो हमारे जीवन में जो भी विपत्ति या युद्ध आते हैं वो परमेश्वर ही देखता है। People of God, today, if you are facing any battle in your life, मेरे परमेश्वर की जनों आज भी आप अपने जीवन में कोई विपत्तियों को देखते हैं commit yourself to the Lord, और आप परमेश्वर के सामने आए because the battle belongs to him, क्योंकि विपत्ति और जो युद्ध है वो परमेश्वर का है and he will give you victory over your enemies, और आपको उससे वो जय देगा for he is the God who gives us victory, और क्योंकि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर हमेशा जय देगा। The Bible says his name is El Shaddai, the Lord of Almighty. और बाइबल कहता है कि वो El Shaddai है, वो सब कुछ सामर्थ करने वाला परमेश्वर है। And he is the one who gives us victory. और वही है जो हमें जय देता है। Hallelujah. Hallelujah. So we are designed not to be destroyed, but he has designed us to be fashioned through the storm. और हमें परमेश्वर ने इससे इस तरीके से बनाया कि हम विपत्तियों से नीचे नहीं गिरे, लेकिन हम और मजबूती पकड़कर उसके आनंद में बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया। So how many of you are going to say, Lord, today, whatever troubles, whatever problems I'm facing, I commit those problems into your hands, O Master. You come and fight my battles. आज कितने लोग ये बात को विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में जो भी विपत्ति आए हैं, विपत्ति आने के बाद भी आप कहिए, परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, और परमेश्वर आपके जीवन में आनंद बिदलेगा। If you are with me now, just close your eyes. We will pray to the Lord and we will seek His presence. और आप जब हमारी बातों के साथ हैं, हमारे ये जब वचन को सुन मेरे साथ हैं कि परमेश्वर आपको हर चीज से विपत्ति से बचाएगा, आप अपने आंखों को बंद करें, हम लोग अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं। We pray to our Lord Almighty. A gracious loving heavenly Father, we thank you for this wonderful time, O Lord. Thank you for talking to us, O Master. Thank you for talking to your people, O Lord. Whoever is facing problems in their lives, whoever is struck with fear, Lord, right now, let your mighty presence come over them, O Father God. You have designed us to overcome the storm. You are El Shaddai, the Lord Almighty. You are the one who fights our battles, O Father God. Right now, let your presence come down. Whoever is facing the sickness, whoever is facing the problems in their life, oh Father God, come and remove everything in Jesus' name. Let us see the victory behind us, oh Father God. And you are the one who said, you are not going to tempt us more than our strength. Lord, today, whatever they're facing, let everything be taken out in Jesus' name. I believe that you have healed your people. I believe that you have taken up all the problems from their life, O Father. Thank you for doing this miracle. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 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 अब हमारा कृष्ण अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अब से लेकर सबों के साथ अनंत काल तक होते रहे। आमीन।